नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के बारे में। बिहार में सड़कों की उत्तम व्यवस्था को लेकर कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि पटना गया डोभी NH-83 को 4 लेन के बजाय क्यों नहीं 6 लेन बनाया जाए। कोर्ट ने NHAI को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायाधीश AK कुमार की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इससे पहले कोर्ट मित्र बरिये अधिवक्ता PK शाही ने कोर्ट को बताया कि पटना गया डोभी NH-83 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 4 लेन के रूप में किया जा रहा है, जबकि पुल पुलिया का अधिग्रहण 6 लेन सड़क के रूप में किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस 4 लेन सड़क को 6 लेन में बदल दिया जाए तो खर्च भी कम हो जाएगा। इधर NHAI ने कोर्ट को बताया कि 2012 के आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस सड़क का निर्माण 4 लेन में किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार तथा अधिवक्ता आलोक कुमार शाही ने कोर्ट को बताया कि 2012 के बजाय 2022 से आगे का ध्यान में रखकर जो है सड़क का निर्माण किए जाने से भविष्य में लोगों को इस सड़क से आने जाने में आसानी होगी। इस दौरान कोर्ट ने NHAI के बड़े अधिकारियों को यह कहा कि इस सड़क का दौरा कर यह बताने को कहा कि 4 लेन के बजाय 6 लेन में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि पुनपुन नदी पर बगैर अनुमति के पुल बनाए जाने के मामले में विकास आयुक्त को सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने का निर्देश दिया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इस NH के निर्माण कार्य लगे ठेकेदार ने बगैर जल संसाधन विभाग से अनुमति लिए पुनपुन पर पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है। बाद में इस पुल निर्माण को लेकर संबंधित विभाग के अनुमति मांगी गई। इसके बाद विभाग ने कुछ शर्तों के साथ पुल बनाने की अनुमति दे दी, लेकिन NHAI को शर्तों के साथ पुल बनाने पर आपत्ति है। इसके बाद इस मुद्दे पर कोर्ट ने विकास आयुक्त को इसी मुद्दे से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने को कहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 3 खंडों के कार्यों में विभाजित कर न्यूनतम निविदाकारों को आवंटन कर एकाकनामा कर दिया था। बता दें कि इस पूरे राजमार्ग को लेकर जो है NH ने 3 खंडों में इसको पहले तो विभाजित किया, उसके बाद जो है उसका अलग अलग बंटवारा कर दिया। पटना जिले में 39 किलोमीटर का कार्य पर 649 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि जहानाबाद जिले में लगभग 44 किलोमीटर इस लंबी सड़क में जो है 496 करोड़ तथा गया जिले में पड़ने वाले लगभग 44.22 किलोमीटर पथ पर जो है 4 लेन का निर्माण जो कि 464 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। उस समय के पथ निर्माण मंत्री रहे मंगल पांडे ने कहा कि पटना गया डोभी पथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पटना से प्रारंभ होकर जहानाबाद गया होते हुए डोभी के पास GT रोड पर मिलेगी। राजधानी पटना के दक्षिणी बिहार के साथ चतुर्भुज परियोजना से जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मांग है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल बोधगया को भी इस पथ के द्वारा संपर्क प्रदान होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार द्वारा जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की वित्तीय सहयोग से इस पथ को 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। यानी कि अगर हम इस नेशनल हाईवे की बात कर लें तो यह जो नेशनल हाईवे पटना गया डोभी, अगर हम 2012 के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें जो है इसमें पहले तो 4 लेन की बात की गई, लेकिन उसके बाद जो अधिग्रहण जमीन अधिग्रहण का मामला आया और पुल पुलिया के निर्माण की जो बात आई उसके बीच में जो है दोनों में असमंजस की स्थिति हुई। उसके बाद यह पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में गया, जिसमें कि अब कोर्ट ने NHAI को साफ तौर पर कहा है कि आप पहले ये बताएं कि आप जो सड़क बना रहे हैं वो 4 लेन है, मगर आपने ज़मीन का जो अधिग्रहण किया है वो 6 लेन है और पुल पुलिया का जो निर्माण हो रहा है वो 6 लेन है, तो ऐसे में इसको क्यों ना इस पूरे सड़क को जो है 6 लेन बनाया जाए। हालांकि NHAI के अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि आप इसका जो है 3 हफ्ते के अंदर जवाब दें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।